हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजूज़ ऑल इन वन क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मैं रेसिपी लेकर आई हूँ स्लाइडर की, पाव स्लाइडर। इसको पिज़्ज़ा पाव स्लाइडर भी बोल सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। चीज़ से पूरी तरह भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी और काफी वायरल भी है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें उसके अंदर जो हमें फिलिंग करनी है वो इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करेंगे। तो ये मैंने ओनियन चॉप कर लिया है, एक मीडियम साइज की है ये। और ये कॉर्न है, ये भी हाफ कप है। ग्रीन चिलीज, दो ग्रीन चिलीज लिए हैं, उनको स्लिट कर लिया है। और ये टमाटो, ये भी हाफ कप चॉप किया हुआ है। ये एक कप पनीर छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ। और ये रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च हाफ हाफ कप है। ये सारा मिक्स कर लेंगे एक साथ। इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें दिया भी हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। और ये मैंने ऑर्गेनो, रेड चिली फ्लेक्स, हर्ब्स और ऑर्गेनो लिया है 3 टेबलस्पून, एक एक स्पून सब। और ये मेयोनीज 3 टेबलस्पून ये डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सेजवान सॉस 2 टेबलस्पून, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून, इन सबको मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट अपने हिसाब से डालें, सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आप खाएं। और अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे। और अब ये मैंने श्रेडेड मोज़रेला चीज़ लिया है, ये डालेंगे इसमें अच्छी तरह से कम 3 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने। और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम, ये बटर है जिसमें गार्लिक है और कोरिएंडर है, ग्रीन कोरिएंडर, इसको चॉप करके इसमें डाला हुआ है। और इसको ये हम डालेंगे, ये भी 2 टेबलस्पून डाला। और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लें एक बार और। और अब ये हमारा रेडी हो गया है ये मिक्सचर। अब हम ये पाव ले रहे हैं, मैंने आटा पाव लिया है, इसको बीच में से ऐसे इस तरीके से कट कर लेंगे ये इस तरीके से। और ये हम इसमें पहले बटर लगाएंगे अच्छी तरह से, इसको लगा लें बटर को इसके ऊपर। इसमें हमें किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से भर भर के लगाना है, तभी ये बहुत अच्छा बनेगा। और अब ये फिलिंग इसके ऊपर अच्छी तरीके से कवर करनी है, अच्छी तरीके से लगाना है इसको। और इसके ऊपर एक बार फिर से मोज़रेला चीज़ डालना है, श्रेडेड चीज़, चारों तरफ अच्छी तरह फैला लें। से इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर फिर से लगाएंगे हम। ये मिक्सचर इस पर अच्छी तरह लग गया। अब ये जो पाव है ये इसके ऊपर रख देंगे और इस पाव के ऊपर थोड़ा बटर फिर से लगाएंगे।
बस ये रेडी हो गया है बेक होने के लिए। ये मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ इसको, करीबन 3 मिनट के लिए करने के बाद इसको थोड़ा ग्रिल करना है 2 मिनट के लिए, बस ये तैयार हो जाएगा। आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं इसको बेक, 15-20 मिनट लगेंगे। बस ये देखिए इस तरीके से तैयार हो जाता है। आप भी ज़रूर बनाइए इसको और मुझे बताएं अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।